बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ डॉक्टर अकील महबूब। उम्मीद है आप लोग हैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे नॉर्मल लैब वैल्यूज़ की, यानी कि एक नॉर्मल बॉडी में यूरिक एसिड, ब्लड प्रेशर, शुगर वगैरह की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू क्या है। इन वैल्यूज़ का जानना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, क्योंकि बाज़ दफ़ा अगर हम नॉर्मल रूटीन में किसी वजह से कोई भी टेस्ट करवाते हैं या शुगर चेक करते हैं या फिर यूरिक एसिड का टेस्ट करवाते हैं, तो उस टेस्ट का रिज़ल्ट जानने के लिए हम डॉक्टर के पास जाते हैं, फीस दे के जानते हैं कि टेस्ट का रिज़ल्ट क्या है। तो इस वीडियो के देखने के बाद अगर हमें किसी चीज़ का टेस्ट करवाना पड़ जाता है तो फिर हम घर बैठे बैठे वो रिपोर्ट देख सकते हैं और जान सकते हैं कि रिजल्ट क्या आया है, नेगेटिव है या पॉजिटिव है, या फिर वैल्यू हाई है या नॉर्मल है या फिर कम है। तो इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे ब्लड प्रेशर की। हमारी बॉडी में टू टाइप के ब्लड प्रेशर होते हैं, फर्स्ट इज सिस्टोलिक एंड सेकेंड इज डायस्टोलिक। सिस्टोलिक प्रेशर से मुराद वो प्रेशर है जो आर्टरीज में ब्लड का प्रेशर है। जब हार्ट पंप करता है तो हमारी आर्टरीज में जो ब्लड का प्रेशर होता है उसे हम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं, लेकिन जब ये ब्लड वापस दिल में जाता है तो हम उसे डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर की नॉर्मल वैल्यू 120 मिलीमीटर मर्करी होती है, जिसे हम हमेशा ऊपर रखते हैं, जबकि डायस्टोलिक की नॉर्मल वैल्यू 80 मिलीमीटर मर्करी होती है और इसे हम हमेशा नीचे रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल 120/80, इन वैल्यू से अगर ब्लड प्रेशर ज्यादा हो जाए तो इसे हम हाइपरटेंशन कहते हैं, यानी कि हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं। उसके बाद जानते हैं कि ब्लड में शुगर लेवल की नॉर्मल वैल्यू क्या है। हम शुगर चेक करने के लिए दो तरीके इस्तेमाल करते हैं। फर्स्ट मेथड इज विदाउट ईटिंग, यानी कि फास्टिंग की कंडीशन में अगर हम शुगर चेक करें तो उसकी नॉर्मल वैल्यू लेस देन 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होती है, और अगर हम खाना खाने के बाद चेक करें तो शुगर की नॉर्मल वैल्यू लेस देन 140 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होती है। और अगर हम खाना खाने के बाद शुगर चेक करें तो हमेशा खाने के 2 घंटे बाद शुगर चेक करनी चाहिए, फिर आपको सही रिजल्ट मालूम होगा। अब बात करते हैं ESR की, एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। ये टेस्ट बहुत कॉमन है, जब किसी को बुखार होता है या फिर पेट भी खराब हो तो डॉक्टर ये टेस्ट लिख के देते हैं। इससे हमें पता लगता है कि किस वजह से ऐसी कंडीशन आ रही है। अगर हम ESR की नॉर्मल वैल्यू की बात करें तो ये डिफरेंट होती है फीमेल में और मेल में। अगर फीमेल में बात करें तो ये 0 to 20 मिलीमीटर पर आर होती है, जबकि मर्दों में इसकी वैल्यू 0 to 15 मिलीमीटर पर आर होती है, और चिल्ड्रन में इसकी वैल्यू 0 to 10 मिलीमीटर आर होती है। इसके बाद यूरिक एसिड की भी वैल्यू को हम देखते हैं, ये भी डिफरेंट होती है फीमेल में और मेल में। फीमेल में इसकी नॉर्मल वैल्यू 2.4 से लेके 6.0 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होती है, जबकि मेल में 3.4 to 7.0 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होती है। ट्राइग्लिसराइड की नॉर्मल वैल्यू लेस देन 149 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होती है। अगर रिजल्ट में 150 to 199 मिलीग्राम पर डेसीलीटर आए तो इसे हम बॉर्डर लाइन कहते हैं। अगर 200 से 499 तक वैल्यू आती है तो फिर इसका रेट बहुत ज्यादा हाई है। कोलेस्ट्रॉल की नॉर्मल वैल्यू 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होती है। अगर 200 से 239 तक की वैल्यू हो तो उसे हम बॉर्डर लाइन कहते हैं, और अगर 240 से ज्यादा हो तो उसे हम हाई कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। कोलेस्ट्रॉल के अंदर दो वैल्यूज देखते हैं हम। एक वीडियो में जिसमें हमने कोलेस्ट्रॉल को डिस्कस किया था, हमने देखा था कि कोलेस्ट्रॉल की टू टाइप्स होती हैं, जिसमें एक LDL एंड HDL होता है। अगर हम LDL की वैल्यू देखें तो उसमें 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर नॉर्मल वैल्यू है LDL की। अगर 100 से 129 तक वैल्यू आए तो वो बॉर्डर लाइन है। अगर 160 से 189 या फिर उससे ज्यादा हो तो उसे हम हाई LDL का लेवल कहते हैं, जो कि बहुत कंडीशन है हमारी बॉडी के लिए। HDL कोलेस्ट्रॉल की बात करें तो उसमें नॉर्मल वैल्यू 60 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है। अगर बॉर्डर लाइन की बात करें, इसमें खतरा ज्यादा होने का नहीं कम होने का होता है। अगर 60 से ज्यादा हो जाए तो कोई मसला नहीं, अगर 60 से कम वैल्यू हो जाए इसकी तो फिर हमारी बॉडी के लिए नुकसानदेह है। अगर HDL की वैल्यू 35 से 45 तक होगी तो हम इसे बॉर्डर लाइन कहेंगे। अगर 35 से भी कम आ जाए तो फिर रिस्क कंडीशन है।
हमारी बॉडी में कैल्शियम का लेवल 8.5 से लेकर 10.5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है और विटामिन डी की नॉर्मल वैल्यू 20 नैनोग्राम पर मिलीलीटर से 50 नैनोग्राम पर मिलीलीटर होती है। उम्मीद है इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और अगर आप हेल्थ से रिलेटेड मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।